पावन पुनीत अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा शत शत प्रणाम है। इसके साथ ही मैं माननीय सचिव महोदय तथा विवेकानंद विद्यापीठ के न्यासी श्री वीरेन वर्मा जी से, मानव प्रकाश संस्थान के उपनिदेशक श्री समीर ठाकुर जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, साथ में विद्यापीठ के छात्रों द्वारा गीता पाठ। Thank you.
बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम भजनांजलि कार्यक्रम के आज के गायक कलाकार हैं श्री रविश कालगांवकर जी तथा श्री कैलाश यादव जी। आप दोनों विवेकानंद विद्यापीठ के संगीत शिक्षक के पद पर आसीन हैं। इसके साथ ही अन्य संगतकार हैं विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय के छात्रगण,
चिरंजीवी रजत सूर्यकांत, चिरंजीवी आर्यन तथा चिरंजीवी तर्ण कुर्रे। इसके साथ ही मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के माननीय कलाकारों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने हेतु सर्वप्रथम श्री रवीश कालगांवकर जी के स्वागत हेतु मानव प्रकाश संस्थान के उपनिदेशक श्री समीर ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री कैलाश यादव जी के स्वागत हेतु मैं पुनः मानव प्रकाश संस्थान के श्री राजेश दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन देने हेतु तथा संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को श्री राम महिमा पर वक्तव्य तथा आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय गायक कलाकार श्री रवीश कालगांवकर जी तथा श्री कैलाश यादव जी, अन्य छात्र संगतकार, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं तथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों ने टीवी में कार्यक्रम भी देखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में रामलीला की स्थापना हुई है, भगवान राम की स्थापना हुई है। लगभग 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद यह शुभ अवसर आया है जब हम भगवान राम की जन्मभूमि में उनके मूर्ति की विधिवत और उचित प्रतिष्ठा कर पाए हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम एक चिरंतन पुरुष हैं। शताब्दियों से उनकी महिमा का गान किया जाता रहा है। आदिकाल से लेकर आज तक विभिन्न कवियों ने उनकी महिमा में गीत गाए, पर उनकी लेखनी कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। साहित्य के सभी विधाओं में श्री राम के जय घोष का स्वर गूंजा, और न केवल साहित्य में अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान श्री राम छा गए। आज वे मात्र काव्य के ही नायक नहीं हैं, वे जन जीवन के नायक हो गए हैं। साहित्यिक गीतों में ही उनके चरित्र का प्रभाव नहीं है, लोक गीतों में भी श्री राम छा गए हैं। समस्त मांगलिक क्रियाकलापों में आज कौशल्या और कौशल्यानंदन श्री राम का स्मरण किया जाता है। विवाह गीतों में जनकपुरी का ही दृश्य उभर कर सामने आता है। कला के विविध विधाओं में भगवान श्री राम का जीवन आज भी प्राण प्रदान कर रहा है, और संगीत के विभिन्न धाराओं में श्री राम आज भी अमृत धारा की भांति प्रवाहित हो रहे हैं। और यह जो राम कथा है वह समूचे मानवता की कथा हो गई है। कहा भी गया है, चरितम रघुनाथस्य षट कोटि प्रविष्टरम। पहले भगवान श्री राम के दिव्य जीवन का प्रभाव पृथ्वी के दोनों गोलार्धों और चारों खंडों में अव्याहत रूप से व्याप्त था,
और आज भी पृथ्वी के अनेक भागों में भगवान श्री राम की महिमा गाई जाती रही है। अमेरिका और दक्षिण पेरू, दक्षिण अमेरिका के पेरू में, इंडोनेशिया, बर्मा, जावा, सुमात्रा, ये सब केवल राष्ट्र नहीं, अरब राष्ट्र भी भगवान श्री राम की महिमा से अभिभूत होते रहे हैं। और यह जो राम कथा है वह केवल मानवता का इतिहास मात्र नहीं है, वह तो भारतीय जीवन का एक दर्शन है। राम कथा के पात्र दैवी अथवा काल्पनिक नहीं है, वे जीवंत हैं। वे सृष्टि के आदिकाल में मनुष्यों में विभिन्न प्रवृत्तियों में विद्यमान हैं। ये प्रवृत्तियां सद भी हैं और असद भी हैं, और राम कथा के ये सद असत पात्र विभिन्न सत असत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सद असत प्रवृत्तियों में निरंतर संघर्ष चल रहा है, और राम कथा यह बतलाती है सत्यमेव जयते। राम कथा के माध्यम से यह प्रतिपादित होता है कि अंततो गत्वा जो विजय है वह सत्य की होती है। दुनिया के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भगवान श्री राम के जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है। एक इतिहासकार की दृष्टि में भगवान श्री राम एक अप्रतिम लोकनायक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से शतशा विखंडित इस भारत को एक अखंड सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिणित किया। एक संस्कृत शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की समन्वय साधना के सबसे सुंदर पुष्प के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने आर्य और अनार्य संस्कृतियों का एकीकरण करके भारतीय सामाजिकता के आदर्श को प्रस्तुत किया। एक नीति शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम का जीवन एक आलोक स्तंभ की भांति है, जो पथ भ्रमित व्यक्तियों को शुभ जीवन का उचित मार्ग बतलाता है। और एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि में भगवान श्री राम सर्वोत्कृष्ट मानवीय कल्पना के एक आदर्शतम शासक के रूप में सामने आते हैं, जिनका राम राज्य आज भी समस्त राजनीति का आदर्श है, जिसमें दीन और उच्च का भेद नहीं रहता, जहां त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, जहां मानव जीवन के विकास की सर्वोच्च संभावनाएं विद्यमान है। और ऐसे भगवान श्री राम के जीवन को भिन्न भिन्न कवियों ने अपनी लेखनी में बद्ध किया है। उस कवि के जीवन में शांति नहीं आई जिसने भगवान श्री राम की महिमा में दो वाक्य नहीं लिखे। राम का चरित्र ही ऐसा है कि वह कवियों को महिमा के गायन के लिए विवश कर देता है। राम तुम्हारा चरित ही महाकाव्य है, कोई बन जाए यह सहज संभाव्य है। इस संबंध में मुझे एक संस्कृत साहित्य के एक श्लोक का ध्यान आ रहा है कि एक कवि ने भगवान श्री राम को अपने काव्य के महानायक के रूप में चुना, तो दूसरा उसका सहृदय काव्य रसिक मित्र अपने उस कवि मित्र से कहने लगा, मित्र दुनिया में तो बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से अवतारी पुरुष हुए हैं, और सब ने भगवान श्री राम की महिमा का गान किया है, और इतने महापुरुषों के रहते, इतने अवतारी पुरुषों के रहते तुम भी अब भगवान श्री राम को अपने काव्य का नायक बना रहे हो, तो क्या यह काव्य में पुनरुक्ति दोष नहीं है? कवि कहने लगा कि काव्य में पुनरुक्ति दोष तो है, पर वह दोष कवि का नहीं है। उसका मित्र कहता है, अरे काव्य का दोष यदि कवि का नहीं है तो किसका दोष है?
चित्र का दोष यदि चित्रकार का नहीं है तो किसका है? कुंभ का दोष यदि कुंभकार का नहीं है तो किसका है? वह कवि कहता है नहीं, वह दोष कवि का नहीं है। वह कहता है स्वसूक्ति नाम पात्र है रघु तिलक मेक कलयताम, कवि नाम को दोष सतु गुण गणा नाम अवगुण। अरे वह तो भगवान श्री राम के गुणों का दोष है जो बार बार कवियों को अपनी महिमा के गान के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए तो वह व्यक्ति बना हुआ व्यक्ति जैसा कहें वैसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो भगवान श्री राम ने अपने गुणों के द्वारा कवियों को इस कदर इस सीमा तक बांध दिया है कि वे बार बार भगवान श्री राम की महिमा के गान के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है। और युग तुलसी रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि हमें भगवान श्री राम को भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान श्री राम केवल अयोध्या में ही प्रकट नहीं हुए हैं। वो बोल रहे थे कि किसी भी वस्तु को देखने की दो दृष्टियां होती हैं, एक इतिहास की दृष्टि होती है और दूसरी भाव की दृष्टि होती है। इतिहास की दृष्टि तो वह है कि जहां व्यक्ति वर्तमान में रहकर भूतकाल की क्रियाओं का अवलोकन करता है। इतिहास का अर्थ है इतिहास, अर्थात यह ऐसे था। यदि हम भगवान श्री राम के जीवन को इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमको यह मानना पड़ेगा कि भगवान श्री राम एक राजा थे, अमुक वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और अमुक वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। पर इस दृष्टि से यदि हम लोग भगवान श्री राम के जीवन को देखें तो कुछ भी लाभ नहीं पा पाएंगे। और इसलिए भगवान श्री राम को भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। भाव की दृष्टि वह है जहां पर देश काल और व्यक्ति की बाध्यता खत्म हो जाती है। भगवान श्री राम त्रेता युग में जन्म लेते हैं पर आज भी विद्यमान है। वे अयोध्या में जन्म लेते हैं पर विश्व के किसी भी भाग में भक्त को दर्शन देते हैं। भक्त अपने भाव के हृदय में, अपने हृदय में भगवान श्री राम का अवतरण करता है और वह भगवान श्री राम को देखता है। सूरदास जी तो अंधे थे, नहीं देख पाते थे, पर उन्हीं सूरदास ने भगवान कृष्ण की मुखाकृति में होने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म परिवर्तनों को भाव लिया था, देख लिया था। कैसे देखते थे सूरदास? इन्हीं भाव के नेत्रों से देखते थे। तो आज जब अयोध्या में इतना भव्य आयोजन हुआ है, भगवान श्री राम वहां बैठे हैं, तो हम लोग यदि वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो हम लोगों को बहुत दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम तो भाव पुरुष है, हम अपने भाव में उनका अवतरण करें। और इसलिए यह भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया है कि भजन भाव को जागृत करने में बहुत सहायक होता है। भगवान नारद से कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, नाहम वसामि वैकुंठे मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मेरे भक्त जहां मेरा गान करते हैं वहां मैं रहता हूं। तो यहां भगवान श्री राम की महिमा का, दिव्य महिमा का गान होगा। इसका हम लोग लाभ उठाएं, और अधिक लाभ तब उठाएंगे जब इनके भावों को अपने हृदय में आरोपित हम लोग करेंगे, उस भाव के साथ एकात्मता का अनुभव करेंगे, तदाकार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अयोध्या में जैसे भगवान श्री राम आविर्भूत हुए हैं, स्थापित हुए हैं, वे हमारे हृदय में भी आविर्भूत होंगे और स्थापित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम के माननीय कलाकारों से सादर निवेदन करती हूं कि श्री राम भजनांजलि कार्यक्रम प्रारंभ करें। Thank you.
अपहरणारं दातारं सर्वसंपदां अभिरामं श्रीराम चंद्राय मेघसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हमारी संस्था के श्रद्धेय आदरणीय सचिव महोदय डॉक्टर वर्मा सर, अन्य अन्य वंदनीय विद्वजन, देवियों, परिछात्रों, भगवान राम की विशेष कृपा से आज मेरे यह सौभाग्य है कुछ भजन गा सकूं और आप सुन सकें। मेरे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर को धन्यवाद नहीं, उनसे आशीर्वाद चाहूंगा, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और आप सबको प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में यह भजन। Oh,
राम सिया मानस मोरे, आए गणपति जग मंदन, आए गणपति जग मंदन, संकर सुवन भवानी नंदन, संकर सुवन भवानी नंदन, आए गणपति जग मंदन, आए गणपति जग मंदन, आए गणपति जग मंदन। चलत रामचंद्र बाजत पहचान तुम की चलत रामचंद्र, तुम की चलत रामचंद्र, बाजत पहचनिया तुम की चलत रामचंद्र, बाजत पहचनिया तुम की चलत राम किलकी किलकी सुखत धाय, किलकी किलकी सुखत धाय, गिरत भूलत पटाय, किलकी किलकी
छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया सुमति चलत राम संग, बाजत भजनिया सुमति चलत राम संग, बाजत भजनिया सुमति चलत राम संग, सुमति चलत राम संग, सुमति चलत राम संग। जिनके उर में राम विराजे सबसे बड़ा वही धनवान, विमल प्रीति का वितरण करने आए हैं प्रभु कृपा निधान। यह भजन हमारे बड़े सर जी लिखे हैं, इसे राग बिहाग के स्वरों में गाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं लाए जब तक व्रत साधन
विमलदान से राम नाम के विमलदान से राम नाम के विमलदान से उनमें बस के राम सुजान उनमें बस के राम सुजान राम विराज राम विराज राम प्रभु मेरे जीवन धन राम प्रभु मेरे जीवन धन चाहूं यह वरदान राम प्रभु मेरे जीवन धन उनसे चाहूं यह वरदान राम राम भजते भजते ही राम राम भजते भजते ही तन से निकले मेरे राम विराज जिनके में राम विराज सबसे बड़ा वही धनवान सबसे बड़ा वही धनवान मन प्रीति का वितरण करने विमल प्रीति का वितरण करने आए हैं प्रभु कृपानिधान आए हैं प्रभु कृपानिधान आए हैं प्रभु कृपानिधान आए हैं प्रभु कृपानिधान
देखकर और कहां मैं जाऊं। राम तुम्हारा नाम भूल कर और किसे मैं जाऊं, राम तुम्हारा नाम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं। रमे हुए हो घट घट के स्वामी, रोम रोम में रमे हुए हो घट घट के स्वामी। पवन पुत्र और तुलसी के प्रभु तुम हो अंतर्यामी, वर दे दो है राम जन्म भर तुमने ही रम जाओ, राम तुम्हारा नाम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं। राम भजन की जब से मैंने मन में ज्योति जलाई, राम भजन की जब से मैंने मन में ज्योति जलाई, तब से मन मंदिर में मैंने उनकी सी छवि पाई। अपने मन को बना आरती भक्ति दिया दमकाऊं, राम तुम्हारा राम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं। जिसने पाया राम जगत में उसने सब कुछ पाया, जिसने पाया राम जगत में उसने सब कुछ पाया। दो अक्षर की राम भई किस मृत्यु भुवन की माया, राम नाम की धुन गाता भव सागर से तर जाऊं, राम तुम्हारा राम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं, राम तुम्हारा राम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं, राम तुम्हारा नाम भूल कर और किसे मैं जाऊं, राम तुम्हारा राम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं, राम तुम्हारा राम छोड़ कर और कहां मैं जाऊं, और कहां मैं जाऊं, और कहां मैं जाऊं। सौपा तक है ना सरकार की, अभी 5 बजे 5:30 के ठीक सर।
छोड़ा
असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आप ही बजाइए हारमोनियम, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, आप भी बजाइए। इतना डरना नहीं है, सीधा साधा ही गाऊंगा मैं। चलित भजन मीरा भाई का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
हर कहे
सिखाए पायो जी मैंने हरक हरक यह सिखाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। Oh,
दैनी वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास तुलु कामादि खल जल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजनम हरण भव भय सारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम भय हर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विपोदय राम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विपोदय राम आश्रित वत्सल जय जय राम रघुपति राघव राम पतित पावन सीता सब गा सकते रघुपति राघव राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सबका धन्यवाद।
सूचनाएं हैं। एक तो आज प्रार्थना जो है वो 6:30 बजे प्रारंभ होगी, सांझ प्रार्थना 6:30 बजे प्रारंभ होगी। फिर समाप्त होते ही बच्चे जल्दी से जाएंगे, नाश्ता करेंगे और प्रेयर हॉल में बैठ जाएंगे। अभी हॉस्टल ड्रेस पहनने का झंझट को हटा दो क्योंकि उसमें देरी हो जाएगी। तो 6:30 बजे प्रार्थना होगी, तो हॉस्टल जाके जिसको जाना है हॉस्टल जाएगा, नाश्ता करेगा और फिर प्रेयर में चले जाएगा। तो 6:30 बजे प्रेयर हॉल में पहुंच जाइए। अभी 6:45 बज रहा है, 5 मिनट है 6:45 बजने में, 45 मिनट के अंदर पहुंच जाइएगा। और दूसरा, ये दरवाजा खुलेगा और वो दरवाजा खुलेगा लास्ट वाला, और उसमें आप लोग को एक प्रसाद मिलेगा। तो इन दोनों दरवाजों से आप लोग जाइएगा, बीच वाले दरवाजे को मत खोलिएगा, ये दो दरवाजों में रहेंगे। तो प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद को लेके जाइएगा। इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद, बच्चे शांत रहें बेटा। धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश दुबे जी को आमंत्रित करती हूं। विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस श्री राम भजनांजलि कार्यक्रम में मुख्य गायक कलाकार के रूप में उपस्थित श्री रवीश कालगांवकर जी एवं श्री कैलाश यादव जी, अन्य संगतकार के रूप में विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय के सहयोगी छात्रगण चिरंजीव रजत सूर्यकांत, चिरंजीव आर्यन एवं चिरंजीव तरण कुर्रे को उनके सुमधुर गायन की प्रस्तुति के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव एवं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को श्री राम महिमा विषय पर दिए गए उनके सारगर्भित वक्तव्य के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकगण, शहर के गणमान्य नागरिक, छात्र एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार को मैं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान की ओर से सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।